हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ और ये मैंने पिछले हफ्ते बनाए थे। इसके बाद भी मैंने काफ़ी सारे कुर्ते तैयार किए हैं, लेकिन आज मैं इन्हें दिखाऊंगी और उन्हें मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है फर्स्ट, जो कि मैंने एक गाउन में से जो कपड़ा बचा था उसमें से बनाई थी। और इसमें मैंने नेक जो है वो सेम रखा है फ्रंट और बैक में। और ये कपड़ा काफ़ी पतला है तो मैंने इसमें साटन की लाइनिंग लगाई है। चलिए दिखाती हूँ। ये इसका नेक जो कि दोनों साइड में एक जैसा है। और ये देखिए, यहाँ मैंने साटन की लाइनिंग लगाई है और इसे मैंने थोड़ा सा करीब 4 इंच कम लगाया है, क्योंकि मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा हुआ था उसमें से। तो ये है फर्स्ट। उसके बाद बनाई है मैंने ये फ्रॉक। और ये मैंने नेट के कपड़े से बनाई है। ये कपड़ा मैं मार्केट गई थी तो मुझे बस दिख गया तो मैंने इसे ले लिया। जो टॉप में मैंने लगाया है वो मेरे पास पहले से ही नेट था। और ये है बैक। यहाँ मैंने रिबन लगा दिए हैं। ये फ्लावर जो मैंने फ्रंट में लगाया है ये मेरे पास शायद किसी ड्रेस का था तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। और इस तरह से मैंने इसे तैयार किया। ये मैंने 5 साल की बच्ची के लिए बनाया है। और इसमें मैंने साटन की लाइनिंग लगाई है और मैंने कलर थोड़ा सा डार्क लिया है। और थर्ड है ये कुर्ता। और ये कॉटन का कुर्ता है जिसमें मैंने बॉटम का जो कपड़ा था उसमें से मैंने ये इस तरह से बनाया है। और ये मैंने एल्बो लेंथ से थोड़ा बड़ी इसकी स्लीव मैंने रखी है। बैक में मैंने डीप नेक बनाया है। और ये है इसका बॉटम। बॉटम में मैंने जो बॉटम का कपड़ा था 2.5 मीटर वो मैंने पूरा घेरे में लगा दिया है। और बेल्ट मैंने कुर्ते के कपड़े से बनाई है और इसे मैंने फोल्ड करके रखा है। तो ये है बॉटम। और अगर आपको इस बॉटम की कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो उसका मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास हैं 2 सूट के कपड़े। ये कपड़े किस तरह के हैं और मैं इनमें से क्या बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। और दोनों ही डिज़ाइनर हैं और भी आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।